गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिल्ली मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन बनाई जा रही है उसकी मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो अपडेट देने की जो स्टार्टिंग करूंगा मैं वो करूंगा मजलिस पार्क से लेकर पीतमपुरा तक, और फिर मैं आपको अपडेट दूंगा पीड़ागढ़ी से लेकर जो पीतमपुरा का अंडरपास है वहां तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ये है पिंक लाइन का मजलिस पार्क का स्टेशन, और इसी के साइड में बनाया जा रहा है ये मैजेंटा लाइन का स्टेशन, और इस साइड में यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने का जो काम है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और इस स्टेशन के यहाँ पे जितने प्लस बनाए जाने हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, और बीच बीच में ये यहाँ पे गर्डर्स भी लगा दिए गए हैं। और यहाँ से आगे की तरफ मतलब आजादपुर वाले स्टेशन की तरफ स्टार्टिंग के जो प्लस होंगे स्टेशन से निकलते वो अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुए, उनके लिए यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं। लेकिन आगे वाले जो प्लर्स हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, बस बीच में एक दो प्लर अभी रह गया जिसकी फिनिशिंग का काम रह गया है। लेकिन एक भी प्लर पे अभी ऊपर की तरफ प्लर कैप नहीं लगाया गया है। और यही साइड में ये है कास्टिंग यार्ड। अब आपको सामने की तरफ यहां पे प्लर कैप बने हुए नजर आ रहे होंगे, और ये हैं स्लैब्स जिनके द्वारा दो प्लर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीजों को यहीं पे बनाया जाता है। और ये रखे हैं गर्डर्स, तो इन सब चीजों को यहीं पे कास्टिंग यार्ड में बनाया जाता है। और यहाँ से आगे की तरफ मतलब भलसो वाले स्टेशन की तरफ स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे स्टार्टिंग के जो चार प्लर्स हैं वो अभी पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुए, लेकिन उनसे आगे वाले जो प्लर्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। और उसके आगे की तरफ काफ़ी लंबा एरिया है जहाँ पे पूरा वायडक्ट जो है बन के रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना लंबा वायडक्ट जो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। सिर्फ अभी यहाँ तक ही प्लर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से, और यहाँ से आगे की साइड में पूरे जो प्लर्स हैं वो आने वाले हैं वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। ये थे वो सारे प्लर्स जो अभी यहाँ पे मैंने नीचे से दिखाए थे आपको, जो रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। और अब यहाँ से ये वाले जो प्लर्स हैं अब जो आगे आने वाले हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुए ऊपर की तरफ, अभी इनके ऊपर प्लर कैप लगाने का जो काम है वो रह गया है। और यहाँ पे बनाया जाएगा भलसवा का स्टेशन, और इस स्टेशन के यहाँ पे सारे प्लर्स जो हैं पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। जल्द ही इन प्लर्स पे स्टेशन आर्म्स को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, और इस स्टेशन से निकलते ही स्टार्टिंग के जो प्लर्स हैं वो अभी रेडी नहीं हुए, सिर्फ उनकी फाउंडेशन का काम हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सरियाओं का जाल नज़र आ रहा होगा मैक्सिमम प्लर्स पे, और अब आपको प्लर्स जो हैं आधे बने हुए रेडी नज़र आ रहे होंगे, उनके ऊपर प्लर कैप लगाने का जो काम है वो यहाँ पे अभी बाकी रह गया है। ये हैं वो प्लर्स जिनके ऊपर अभी प्लर कैप लगाने का जो काम है वो यहाँ पे रह गया है। और अब यहाँ से आपको आगे की तरफ नज़र आएंगे कुछ प्लर्स जिनके ऊपर प्लर कैप लगा दी गई है। ये हैं वो प्लर्स जो यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से आगे की साइड के अब जो प्लर्स होंगे वो आधे बन के रेडी हो चुके हैं, बस ऊपर का जो प्लर कैप होता है वो ही यहाँ पे अब ऐड करना बाकी रह गया है। अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि प्लर्स जो है आधे बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्लर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। ये है हैदरपुर बादली मोड़ का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे चलती है येलो लाइन, और यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे चलेगी मैजेंटा लाइन जस्ट येलो लाइन के ऊपर की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको ड्रोन फ्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चील वगैरह बहुत उड़ती रहती हैं। चलो अब बढ़ते आगे की तरफ।
अब यहाँ से जो येलो लाइन है वो यहाँ से राइट हो जाती है, और ये वाले जो आपको प्लस नज़र आ रहे हैं ये है मैजेंटा लाइन के, और मैजेंटा लाइन यहाँ से सीधी जाएगी। और अब जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो होगा नॉर्थ पीतमपुरा का, और उससे पहले यहाँ पे जितने प्लस बनाए जाने हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही प्लस रह गए जिनके ऊपर अभी पिलर कैप लगाने का जो काम है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो यहाँ पे प्लस हैं उनके ऊपर पिलर कैप लगा दी गई है। और यहाँ पे बन रहा है ये नॉर्थ पीतमपुरा का स्टेशन, और इस स्टेशन के जो पिलर्स हैं वो सारे बन के रेडी हो चुके हैं, और दो तीन पिलर ऐसे हैं जिन पे स्टेशन आर्म्स बाहर की तरफ ऐड कर दी गई है। और जो यहाँ का ड्रोन शॉट है अच्छे से वो मैंने कैप्चर किया था, पता नहीं मेरे को फाइल नहीं मिली एडिटिंग के टाइम पे, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको इस फोटो से दिखा रहा हूँ कि इस साइड में आप देख सकते हो ये वाले जो पिलर्स हैं ये नॉर्थ पीतमपुरा वाले स्टेशन के हैं, तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन के बाद ये एक छोटा सा एरिया आता है जहाँ पे तीन पिलर्स को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ से अगले जो तीन पिलर्स हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं, और जो अगला पिलर है उसके ऊपर अभी पिलर कैप लगाने का जो काम है वो रह गया है, लेकिन आगे के साइड के जो पिलर्स हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये लास्ट पिलर है जो यहाँ पे रेडी हुआ है, इसके आगे अभी इस साइड में यहाँ पे कोई भी पिलर रेडी नहीं हुआ है, देख सकते हो अब आपको यहाँ पे कोई भी पिलर रेडी नज़र नहीं आ रहा होगा। और अब जो नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वो होगा प्रशांत विहार का, और यहाँ पे ये एक जेसीबी यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे एक ये एक मशीन और काम कर रही है जो यहाँ पे पिलर्स की फाउंडेशन बनाने का काम कर रही है, और अब आपको यहाँ पे आगे की तरफ ये कुछ पिलर्स नज़र आएंगे जो यहाँ पे आधे बन के रेडी हो चुके हैं। और ये एक पिलर नज़र आएगा जिसकी फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया, ऊपर की तरफ यहाँ पे सरियाओं का जाल लगा दिया गया है, और यहाँ से अभी आगे की तरफ कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है पीतमपुरा वाले स्टेशन की तरफ। चलो अब मैं आपको अपडेट देता हूँ पीरागढ़ी से लेके पीतमपुरा तक की। ये है सामने की तरफ पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन, और इस साइड में यहाँ पे बनाया जाएगा मैजेंटा लाइन का पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन, और इन दोनों स्टेशन के बीच में इंटरचेंज बनाया जाएगा। इस साइड में अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पे स्टेशन बनाया जाएगा उसके यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से आगे की साइड के जो कुछ पिलर्स हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और कुछ पिलर्स को यहाँ पे आपस में कनेक्ट भी कर दिया गया है। इस साइड में यहाँ पे ये दो पिलर और रेडी हो चुके हैं, और जो तीसरा पिलर है उसके ऊपर अभी पिलर कैप लगाने का जो काम रह गया है, और आगे की साइड में अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अभी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ, ये जो आपको पेड़ नजर आ रहा है इस एरिया में, लेकिन आगे की साइड में बनाया जा रहा है मंगोलपुरी वाला स्टेशन जहाँ पे अच्छा खासा काम हो चुका है। यहाँ पे बनाया जा रहा है मंगोलपुरी वाला स्टेशन, और इस स्टेशन के सारे प्लेस बन के रेडी हो चुके हैं, और उनको आपस में यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया गया है मैक्सिमम एरिया में। और अब यहाँ से आप आगे की साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और इस रोड से पहले ये वाला जो पिलर है वो अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुआ है, और अब जो नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वो होगा वेस्ट इनक्लेव का। यहाँ से स्टार्ट होगा वेस्ट इनक्लेव का स्टेशन, और इस साइड में आपको ये वाला जो पिलर है इस पे बाहर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेशन आर्म्स कनेक्ट कर दी गई हैं, और इस स्टेशन के लिए यहाँ पे जितने पिलर्स बनाए जाने हैं वो आधे बन के रेडी हो चुके हैं, और कुछ पिलर्स अभी यहाँ पे बनाए जाने हैं। और यहाँ से आगे की साइड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पिलर्स रेडी हो गए और कुछ पिलर्स अभी यहाँ पे बनाए जाने हैं। और अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो पिलर्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं।
ये हैं वो प्लस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे बनाया जाएगा पुष्पांजलि वाला स्टेशन। तो इस स्टेशन के जो प्लर्स हैं वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुए हैं, और यहाँ का जो ड्रोन शॉट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अपनी। और अब आप इस हिस्से में यहाँ पे आप देख सकते हो प्लर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। यहाँ तक प्लर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ से आगे की साइड के कुछ प्लर्स जो है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं, बस उनको अभी कनेक्ट करने का काम रह गया है। और अब जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो होगा दीपाली चौक का, जो बनाया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस स्टेशन के प्लर्स हैं वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी नहीं हुए हैं, सिर्फ दो ही प्लर हैं जो अभी यहाँ पे कॉन्कोर्स लेवल तक बन के रेडी हुए हैं। और दीपाली चौक से आगे की तरफ अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी आपको एक भी प्लर रेडी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ प्लर्स की फाउंडेशन का काम चल रहा है। और अब ये एक पहला पिलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, और ये एक पिलर और आ गया जो यहाँ पे रेडी हो गया है। और पीतमपुरा वाले स्टेशन से पहले इस साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, इस साइड में जो पिलर्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं कॉन्कोर्स लेवल तक। और ये आ गया सामने की तरफ पीतमपुरा वाला स्टेशन। और यहाँ से आगे की जो अपडेट है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मजलिस पार्क से लेके पीतमपुरा तक की, और मजलिस पार्क से लेके आरके आश्रम तक कितना काम हुआ है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और जनकपुरी वेस्ट से लेके पीरागढ़ी तक कितना काम हुआ है उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको अगले महीने मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मैं 2-3 दिन के लिए अमृतसर और चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद आपको वहाँ की वीडियो देखने को मिलेंगी, और वहाँ से आने के बाद मैं वापस से आपको प्रोजेक्ट्स की अपडेट दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।